नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट 10th लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। घोरदू का संधि विच्छेद है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घोरदू का संधि विच्छेद हो जाएगा। भू प्लस उर्ध है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भू प्लस उर्ध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निश्चित इरादा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरा। यहाँ पर राइट जवाब बनेगा खरा, शब्द खर के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि तिनका, राक्षस, गधा खर के अनेकार्थी शब्द हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पादप, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है फाइव है सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। तो सन्यासी का विलोम शब्द हो जाएगा गृहस्थ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्वित प्रत्यय लगा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृपालु, कृपालु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कृपालु शब्द में तद्वित प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आलस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आलस्य होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बनेगा। क्वेश्चन नंबर एट है दोस्तों व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद रूप बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द विचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करण कारक है। क्वेश्चन नंबर अगला टेन उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुलीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 11 कहानी शब्द का बहुवचन क्या है। तो कहानी शब्द का बहुवचन कहानियां होगा, ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दिन पुरलिंग शब्द है, से सभी स्त्रीलिंग है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीन। क्रिया विशेषण ऐसे अविकारी शब्द हैं जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त सर्वनाम, सब कोई संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है सही शब्द को पहचानिए। तो राइट आंसर हो जाएगा षड्यंत्र, सही शब्द है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 16 एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है उस ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, शुद्ध वाक्य उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 द्रग का वर्ण विच्छेद है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। तो हल्दी घाटी के रचनाकार आपको बताना है, तो हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिए। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है, कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है, इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है, इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला, कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठकर मानी गई है। तो नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है कला और जीवन अन्योन्याश्रित हैं का तात्पर्य क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है दोस्तों।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो जीवन उपयोगी हो। अगला क्वेश्चन, श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिन पानी। क्वेश्चन नंबर 21 है, इस पद में कौन सा भाव है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुर भाव है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 23, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष जानकारी प्राप्त करना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्याज स्तुति अलंकार है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, अवधि का निजी छंद है, तो अवधि का निजी छंद बरवय है, ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। बरवय अर्धसमात्रिक छंद है दोस्तों, इसमें चार चरण होते हैं, इसके विषम चरणों पहला और तीसरा में 12-12 मात्राएं और सम चरणों दूसरा और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, और बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह किसके हस्ताक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, कृताकृत में समास है, तो कृताकृत में आपको समास बताना है, तो कृताकृत शब्द में कर्मधारय समास है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, कर्मधारय समास है, इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों, कृत प्लस अकृत। कर्मधारय समास के कुछ अन्य उदाहरण की बात करें तो सद्भावना, महापुरुष, नीलोत्पल, पीताम्बर, ये सभी जो हैं कर्मधारय के उदाहरण हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 29, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, जिसे जीता ना जा सके अजय कहते हैं, ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय कहते हैं दोस्तों, जिसे पराजित ना किया जाए अपराजय कहते हैं, और जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, शिखा का कौन सा अर्थ गलत है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो शिखा का अर्थ शिक्षा गलत है, बल्कि शिक्षा का अर्थ ज्ञान नसीहत सीख होता है, जबकि दीपक की लौ कलगी शिखर शिखा का अर्थ है, तो ऑप्शन डी यहां पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन नंबर 31 है, सी बटे एफ कॉमा ई बटे जे कॉमा जी बटे एन कॉमा आई बटे आर, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए के बटे वी इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 32, नीचे एक कथन और उससे संबंधित दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कथन दिया गया है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं। तो निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश, एक या दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो निश्चित रूप से कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कथन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षकों में सहानुभूति होनी चाहिए, विद्यार्थी अपने शिक्षकों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश है, नीचे दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए 1800, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, पांचवा, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्योंकि पूर्व में पी 4 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, पी वही खड़ा है जबकि क्यों 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, पी को देखने के लिए क्यों को किस दिशा की ओर
देखना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर देखना होगा, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 4 गुना है। अगर बेटा 3 साल के बाद 15 वर्ष का हो जाता है तो उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी 45 वर्ष इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 4 कथन और उससे संबंधित 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, चिन्हित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करता है भले ही वे समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हों। कथन है पहला, सभी लड़के खेल सकते हैं। सेकेंड है, कुछ लड़कियाँ गायन कर सकती हैं। तीसरा, सभी लड़कियाँ भोजन पका सकती हैं। चौथा, कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता है। तो निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 3rd और 4th अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 39, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में दिए गए सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी? प्रश्न दिया गया है, राजन रमेश से छोटा है और रमेश जॉर्ज से लंबा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज राजन से लंबा है, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, नीचे एक घन की 4 स्थितियां दिखाई गई हैं। यदि सूर्य का चिन्ह शीर्ष भाग पर है तो निचले भाग पर कौन सा चिन्ह होगा? प्रश्न आकृति दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमवार होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 42 दिया गया है, आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है? तो त्रिभुजों की संख्या जो होगी यहाँ पर 13, 13 यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में दिए गए सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी? प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक कक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और सबने एक अद्वितीय रैंक प्राप्त की। सुषमा को 7वीं रैंक मिली और उसके आगे 4 लड़के तथा उसके पीछे 9 लड़कियां हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, नीचे 4 कथन और उनसे संबंधित 4 निष्कर्ष विकल्पों के रूप में दिए गए हैं, आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों, और फिर निर्णय कीजिए कि विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन नीचे दिया गया है दोस्तों, सभी पेन डायरीज हैं। सेकेंड है, सभी किताबें पेन हैं। तीसरा, कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है। चौथा, कुछ पेंसिल तलवारें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा, कुछ डायरी किताबें हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है इस प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोग क्लास के अंत तक बने रहें। तो क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे देख लेते हैं, भारत में वैदिक सभ्यता यहाँ पे आपको फिल करना है, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरस्वती। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियों की अग्रवती, नदियों की माता, वाणी प्रार्थना एवं कविता की देवी, बुद्धि को तीव्र करने वाली और संगीत की प्रेरणादायी कहा गया है दोस्तों। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बठिंडा के किला मुबारक में। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला 50,
स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 51, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के लिए डिग्री के भीतर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवरेस्ट पर्वत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, प्रांतों में द्वैध शासन डाई ऑर्की के उन्मूलन की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के भाग 7 के अंतर्गत राज्यों की श्रेणियों का उल्लेख था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर यहां पे जो बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केंद्र शासित प्रदेशों। क्वेश्चन नंबर अगला 55 है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसके धर इसका राइट जवाब बनेगा। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई, और इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं? दिए गए ऑप्शंस में से बताना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, V.K.R.V. राव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, गाँव की सड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया गया है। हरित क्रांति के जनक की यदि हम बात करें तो M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है, और हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है, जबकि हरित क्रांति में गांवों की सड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्मृति मंधाना एक हैं, क्या हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाएँ हाथ की बल्लेबाज दाएं हाथ की गेंदबाज हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलसिंकी, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निकोलस कॉलन ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2023 तक दुनिया की आधी बिजली का उपयोग कर रहा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 63, फरवरी 2023 में किस अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना को। क्वेश्चन नंबर अगला 64 है, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नताशा पेरियाना या गम को। क्वेश्चन नंबर 65, किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में बनाया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, 66 क्वेश्चन नंबर, ALU निम्नलिखित का पार्ट है, किसका पार्ट है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CPU का पार्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PRAM-UA2, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 68 है, कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, एनएलपी में कोरेफरेंस रेसोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। यहाँ पर एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन डीडीए शब्द का सही पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 71, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइनिंग कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, SVG का पूरा रूप है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 73 है, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पे दोस्तों, सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ड करेक्टर को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन डी, ओवर टाइप मोड। क्वेश्चन नंबर अगला 75 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ctrl+Q। क्वेश्चन नंबर अगला 76, वर्ड में डिफॉल्टर जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 100% पर सेट रहता है। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, .xlsx। क्वेश्चन नंबर 78, वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, वेब कैमरा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 है, इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर अगला 80, क्वेश्चन नंबर, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 915, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 18 मंडल, 4 संभाग, 75 जिले, 915 नगरीय निकाय, 825 विकास खंड, 8135 नया पंचायतें हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रावस्ती, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, कल्प योजना संबंधित है, किससे संबंधित है। तो कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समाज से जोड़कर उसमें आध्यात्मिक माहौल, स्कूलों में राष्ट्रगान एवं सरस्वती वंदना का गाया जाना तैयार करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं। तो उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल 6 अनुभाग हैं। वर्तमान में 6 अनुभाग मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा एवं झांसी में हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थारू जनजाति, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रघुपत सहाय, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 90 है, इखलास खान का रोज़ा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बदायूं जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91 है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा चेत सिंह।
क्वेश्चन नंबर 92 है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई है लगभग कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 302.2 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा खुर्जा, इसका राइट जवाब बनेगा। खुर्जा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 94 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 95 है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर अगला 96 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरोजाबाद, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ कालीन उद्योग के लिए ऑप्शन बी यहां पर सुमेलित नहीं दिया गया है, जबकि प्रतापगढ़ आंवला उद्योग के लिए माना जाता है, तो ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कपास। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ है। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता है, यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र में किया जाता है और इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, चना, मटर, जौ, रबी फसलें हैं, रबी फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र में लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस क्लास में आपने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर में कंजूसी करते हैं, ऐसा मत करिए, आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।